नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जिस पे कि आपको सभी कर्मचारियों, पेंशनर और फैमिली पेंशनर से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, सभी पेंशनर के लिए आई बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर। अब पेंशन के लिए नहीं करना होगा इंतज़ार, बैंक भी नहीं रोक सकेंगे पेंशन। जी हाँ दोस्तों, PCDA इलाहाबाद द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है, जिससे कि सभी डिफेंस पेंशनर के पेंशन में अब कोई भी रुकावट नहीं रहेगी, उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो PCDA इलाहाबाद द्वारा 12 जून 2020 को ये लेटर जारी किया गया, जिसका कि सर्कुलर नंबर 212 है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें पुराने एक सर्कुलर नंबर 197 का जिक्र किया गया है, इस सर्कुलर नंबर 197 में PCDA इलाहाबाद ने बताया था कि जो भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर पेंशन लेना चाहते हैं, उनको 10 जनवरी 2018 से जो आधार कार्ड है उसकी अनिवार्यता शुरू कर दी गई थी। यानी कि जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार ऑथेंटिकेशन स्लिप नहीं है, उनको पेंशन जो है जारी करना बंद कर दी गई थी PCDA इलाहाबाद द्वारा। दोस्तों, अब इसके बारे में सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसा कि आप लेटर में देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि द ऑफिस सर्कुलर नंबर 197 डेटेड 10 जनवरी 2018 अंडर विच डायरेक्शन वाज इश्यूड दैट कंसिक्वेंट अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ आधार एक्ट 2016 इंडिविजुअल एलिजिबल टू रिसीव पेंशनरी बेनिफिट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर और अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। यानी कि या तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन जो प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा, इसके बिना आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। जिसकी वजह से बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनके इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए अब PCDA इलाहाबाद को अपने इस निर्णय को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 197 डेटेड 10/1/2018 इज विदड्रॉन हेयर बाय इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि अब जो लेटर है इसको विदड्रॉ कर लिया गया है और अब आधार कार्ड की अनिवार्यता पेंशन के लिए ख़त्म कर दी गई है। अब आपको पेंशन के लिए आधार कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना आधार कार्ड के भी आप पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इसमें यह भी है कि जो ये लेटर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको RBI जो डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी ऑफ ऑल स्टेट्स, IDBI जो मैनेजर हैं, CPPC ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग IDBI, इसके साथ ही जो प्राइवेट बैंक्स हैं ICICI, एक्सिस, HDFC बैंक, इन सभी को फॉरवर्ड कर दिया गया। यानी कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो अब आपकी पेंशन को रोक सकेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।